इतना सही में आज आपके साथ जीन्स का कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ ना, लाइक मजा आ जाएगा। वाह, मतलब ऐसे निकलेगा आपके मन से, अंदर से, और वो ही बहुत ही कम पैसों में, जो जीन्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शिल्पी एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं शिल्पी हूं। मैं पोस्ट करती हूं मेकअप, ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड हॉर रिलेटेड वीडियोस अल्टरनेटिव डेज एंड कभी कभी तो डेली भी। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट एंड मेरा वीडियो पसंद आता है तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो, जो रेड कलर का बटन है उसको प्रेस करके। स्टार्टिंग में जैसे पता लग गया कि मैं जीन्स तो शेयर करूंगी, साथ में ना बहुत ही मस्त वाले टॉप शेयर करूंगी। जितने सही जीन्स है ना उतने ही मस्त टॉप भी है। आज का कलेक्शन कि आपको सीरियसली मजा आएगा। अगर आपको सही में अच्छा लगा ना कलेक्शन तो प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिएगा, बिकॉज ये वाला मैंने को कलेक्शन ढूंढने में थोड़ा सा मेरे को टाइम लगा, बिकॉज मैं कुछ ऐसा कलेक्शन आपके साथ शेयर करना चाह रही थी जिसको देखकर आपको लगे वाओ क्या कलेक्शन है। तो लिंक सारे प्रोडक्ट के आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारी शॉपिंग मैंने अमेजोन से की है तो इजिली आप बेधड़क होकर वहां से शॉपिंग कर सकते हैं, बिकॉज इजिली रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी है, आप आराम से कर सकते हैं। तो वी स्टार्ट करते हैं। आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, लाइक मजा आ गया देख के सीरियसली। जितना सही ऐप पे लग रही है ना उतना सही मेरे को रिसीव भी हुई है, एंड बहुत ही ज्यादा लाइक ट्रेंडी एंड काफी कूल सी है। तो मैं जिस जीन्स की बात कर रही हूँ वो मिल जाती है, ये लाइट ब्लू कलर में है, कुछ ना कुछ ग्रेश एंड कुछ ब्लू सा मिक्स है, लाइट वाला ब्लू भी नहीं है, बहुत ही अलग सा शेड है, काफी अच्छा शेड लगा मुझे। एकाचक इसका ब्रांड है, साइज मेरा इसमें 30 है। बेस्ट पार्ट इस जीन्स का क्या है, यहाँ से तो आपको एकदम नॉर्मल लग रही होगी, यहाँ पे पॉकेट है, क्लोजर के लिए बटन है, यहाँ पर जिप दी हुई है, यहाँ पे आपको इसे कार्गो स्टाइल में मिल जाती है। एक तो इसका मटेरियल ना लाइक काफी अच्छा है, बहुत हैवी भी नहीं है, एंड बेस्ट पार्ट जो मुझे इस जीन्स का लगा है वो है ये नीचे वाला पार्ट। आपको लाइक ऐसे नीचे इलास्टिक की डिटेलिंग मिल जाती है कार्गो स्टाइल के साथ, आपको जॉगर स्टाइल मिल जाता है वो भी डेनिम में, मतलब और साथ में बहुत ही कम पैसों में, लाइक बजट फ्रेंडली आपको ये जीन्स मिल जाएगी। इस वाली जीन्स को मैं आपको हाईली 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 रिकमेंड करने वाली हूँ, बिकॉज इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, लुक बहुत अच्छा है, फिट बहुत अच्छा है, तो आप आराम से इसको परचेज कर सकते हैं। कुछ आपको कूल जीन्स चाहिए, बिकॉज लाइक अगर आपको कोई एयरपोर्ट लुक के लिए चाहिए या फिर शॉपिंग फिट के लिए चाहिए, मतलब बहुत ही कूल सीन, काफी अलग सी ये जीन्स है इस वाले प्राइस में, तो मुझे बहुत सही लगी है। पीछे इसमें आपको कोई डिटेलिंग नहीं मिलेगी पॉकेट्स की, ऐसे आपको एकदम प्लेन पीछे से ऐसे जीन्स मिल जाएगी, आगे से ऐसे आपको यहां से पॉकेट की डिटेलिंग मिलेगी, यहां पे आपको पॉकेट मिल जाती है, एंड इधर अच्छा एक ही साइड आपको कार्गो स्टाइल में पॉकेट मिलेगी, नीचे आपको ऐसे स्टाइल में नीचे आपको मिल जाता है नीचे इलास्टिक। तो अभी इसको पहन के आते हैं, देखते हैं कि कैसा लुक लगा। बवाल है ये जींस, सही बता रही हूँ मैं आपको, बहुत ही सही इसका फिट है, एंड आप लुक देख सकते हैं कितना सही लग रहा है इसका लुक भी एंड फिट भी, मुझे तो बहुत सही लगा। इसका कलर भी बहुत अच्छा है, एंड पीछे से भी जो लुक वगैरह है वो बहुत अच्छा आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे, एंड इसमें जो ये यहाँ पे थोड़ा कार्गो स्टाइल है ना ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट है, थी ना मस्त, एकदम बिल्कुल मस्त है। अब नेक्स्ट मैं जो जीन्स आपके साथ शेयर करूंगी वो भी बहुत ही ज्यादा कूल है, तो मैं जिस जीन्स की बात कर रही हूँ वो मिल जाती है बूटकट जीन्स। बूटकट जीन्स ना काफी सही लगती है, हाई वेस्टेड जीन्स हो ना बूटकट तो आपकी हाइट और भी ज्यादा लंबी लगती है, ऐसा लगता है कि आपकी अगर आप हाई वेस्टेड बूटकट पैंट पहनते ना उसे ऐसे ऐसे लगता है लाइक कि आपकी हाइट थोड़ी बढ़ गई है, ऐसे लगने लगता है। हाँ सही है ये बात। तो मैंने लिया ये लाइट ब्लू कलर में, इसका भी ब्रांड एकाचिक है, यहाँ पे पूरे से सॉलिड में है, एंड यहाँ कुछ आपको इस टाइप की डिटेलिंग मिल जाती है, बिल्कुल फिटेड है, नीचे आके ऐसे ब्रॉड सी हो जाएगी, यहाँ पर क्लोजर के लिए बटन है, जिप है, पॉकेट्स हैं, हाई वेस्टेड है ये भी, पीछे आपको इसमें पॉकेट्स की डिटेलिंग मिल जाती है। इसमें 3 to 4 शेड्स हैं, आई थिंक एक ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर मेरा साइज अवेलेबल नहीं था, इसमें मैंने साइज 30 मंगाया, लास्ट टाइम मैंने 28 मंगाया था ना, तो लाइक मेरे को क्रोच एरिया से और मेरे थाइस से ना थोड़ा सा टाइट था, तो मैं अनकंफर्टेबल थी, इसलिए मैंने इस बार 30 मंगाया है। तो कलर्स में ऑप्शन है, बट मेरे को ये वाला कलर काफी सही लग रहा था, तो अभी इसको वियर करके आया। लुक इस जींस का भी काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे को थाइस से थोड़ी सी टाइट आ रही है, वेस्ट से भी, मैंने इसका 30 साइज लिया था, तो मेरे को इसको एक्सचेंज करके 32 लेना होगा, बिकॉज ये मुझे यहाँ से काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रही है। बाकी आप देख सकते हैं कि लुक अच्छा है, बिल्कुल यहाँ से फिटेड एंड नीचे से जो ये बूटकट आ रहा है ये सुंदर लग रहा है, तो आप इस वाली जींस को ट्राई कर सकते हैं। और आपका अगर मेरा जैसा बॉडी फिगर है तो आप इसका 32 ले सकते हैं, अगर आप मेरे से थोड़ा स्लिम है तो आपको 30 परफेक्ट होगा। यहाँ से तो मेरे को ठीक आ रहा है, थोड़ा सा टाइट है, लेकिन मेरे को ये वाला जो एरिया है ना क्रोच वाला ये मुझे यहाँ से थोड़ा सा टाइट है, तो अनकंफर्टेबल हूँ। मज़ा ही आ गया सही में,
में जीन्स को देख के। तो कैसे लगी आपको अब बताना मेरे को। नेक्स्ट मैं आपके साथ जो शेयर करूंगी वो है टॉप्स। जीन्स मैंने दो ही परचेज की है। टॉप के लिए फर्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो बहुत ही प्यारा सा टॉप है। ये मिल जाता है आपको पिंक कलर में। आई थिंक कलर थोड़ा सा सही से कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ कैमरा, लेकिन आपको ये पिंक कलर मिल जाता है, रानी वाला शेड होता है ना उस कलर में है ये। यहाँ पे आपको इसे स्ट्रेप मिल जाएगी एंड ये पैपलम स्टाइल में आपको मिलेगा। साथ में ऐसे दो डोरिया दी हुई है जिसको आप कमर पे बांध सकते हैं जिससे आगे के फिटेड आए। इसका जो मटेरियल है प्योर कॉटन में है एंड ब्रांड जो है इसका वो है मंडो, और मेरा जो साइज है इसमें वो है स्मॉल। सारे साइजेस अवेलेबल है। आई थिंक कलर इसमें आई थिंक एक रेड है और ग्रीन है, बट ये पिंक कलर आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत सा एंड काफी सुंदर सा पिंक कलर लग रहा था, इसलिए मैंने इसको पिंक कलर में पिक किया। जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है ये व्हाइट कलर में रिब्ड में टॉप। इसकी जो क्वालिटी है रिब्ड की मुझे काफी अच्छी लगी है। वैसे मेरे को जो अमेजोन पर रिब्ड की क्वालिटी होती है ना वो उतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन इस वाले टॉप की क्वालिटी काफी अच्छी है। इसका जो ब्रांड है वो है आहवान और मेरा जो साइज है इसमें वो है स्मॉल। इसमें कलर शेड अवेलेबल है, काफी सारे कलर शेड अवेलेबल है, बट मैंने जो इसका शेड मंगाया था ना वो मैंने कुछ मरून वाला शेड मंगाया था। अभी मुझे रिसीव व्हाइट कलर में हुआ, लेकिन व्हाइट कलर भी काफी ज्यादा सही है। मतलब मेरे पास व्हाइट कलर का कुछ ऐसे रिब में टॉप भी नहीं था, तो मैंने सोचा अभी यही रख लेती हूँ, मरून कलर का और मंगा लूंगी बिकॉज की क्वालिटी काफी अच्छी है। इसका नेक वगैरह ना मुझे बहुत सही आया, लाइक ऐसे जो इसका नेक की डिटेलिंग है ना पूरा वो काफी सुंदर लग रहा था। इसमें तो आई थिंक आपको 6 to 7 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये ब्लैक कलर की कुर्ती, कॉटन में मिल जाती है, चिकनकारी की ये कुर्ती है एंड इस पे आपको ऐसे एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी आगे फ्रंट पे पूरी। एंड जो ये एम्ब्रॉयडरी है ना ये हाथ वाली है, मशीन वाली एम्ब्रॉयडरी नहीं मिलती, तो काफी सुंदर लग रही है। एंड पीछे आपको एक ऐसे बूटा भी मिल जाएगा इस पे, जैसे आगे डिटेलिंग है ना वैसे कलरफुल सी। तो जो मैंने अभी लाइट कलर की पैंट ली है ना जो बूटकट स्टाइल है उसके साथ ये वाली कुर्ती काफी सुंदर लगेगी। प्योर कॉटन में कॉटन की जो क्वालिटी है ना वो काफी अच्छी है, बहुत ही लाइक स्मूथ सा काफी मलमल से वाला इसका कॉटन का फैब्रिक मिल जाता है। ब्रांड जो है इसका वो है वेजन बियर्स और मेरा जो इसमें साइज है वो है स्मॉल, और नीचे भी आपको यहाँ पे भी नीचे लाइक इस पे नीचे भी आपको ऐसे बूटे मिल जाते हैं। नेक्स्ट अब जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है ये एक क्रॉप टी, पॉलो नेक मिल जाती है। ऐसी मैंने क्रॉप टी ना विदाउट स्लीव्स में तो ली थी, लेकिन यहाँ पे अभी मेरे को दिखी कि ये फुल स्लीव्स में भी अवेलेबल है। इसमें भी कलर ऑप्शन अवेलेबल है और इसकी रिब की क्वालिटी काफी अच्छी है। ब्रांड जो इसका है वो साइड बॉम्ब, और इसमें आपको जैसे मैंने ये फुल स्लीव्स में ली ना ऐसी आप विदाउट स्लीव्स में भी ले सकते हैं, लाइक इस टाइप से है विदाउट स्लीव्स में एंड इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। कलर ऑप्शन अवेलेबल है, ऐसे क्रॉप में मिल जाती है, तो आप अपने हाई वेस्टेड पैंट एंड शर्ट के साथ पैंट और जीन्स के साथ इसको वियर कर सकते हैं, काफी सही लगे। आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय फेवरेट ब्लैक कलर की मार्क स्पेंसर की शर्ट, मुझे काफी पसंद है ये एंड इसकी क्वालिटी वगैरह जो है बहुत अच्छी है। आपको क्रेप का इसका फैब्रिक मिल जाता है। मार्क स्पेंसर में आपको कभी भी फैब्रिक को लेके सोचना नहीं होगा, सीरियसली फैब्रिक की जो क्वालिटी होगी ना वो तो लाइक बिल्कुल बेस्ट होगी, लाइक कम्प्लीटली वेस्ट हो गई, उसके लिए आपको कभी नहीं सोचना पड़ेगा। मार्क स्पेंसर के मैं काफी सारे प्रोडक्ट परचेज कर चुकी हूँ अमेजोन से, पैंट्स भी, शर्ट्स भी, टॉप्स भी, जॉगर्स भी, सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी निकली है। उन्हीं में से मेरी फेवरेट एक ब्लैक कलर की शर्ट है जो मुझे बहुत पसंद आती है, नॉर्मल शर्ट की तरह है एंड इस पे आपको ऐसे प्रिंटेड डिटेल मिल जाता है ब्लैक कलर पे, ऐसे येलो पिंक कलर के ऐसे फ्लावर्स की डिटेलिंग है, और इसका लेंथ प्रॉपर है तो टक इन करके भी यूज कर सकते हैं, अपने आप ऑफिस वेयर एंड वर्क प्लेस पे आप उसको यूज कर सकते हैं, उसके लिए काफी सही लगेगी। तो ये था सारा कलेक्शन अमेजोन से, कैसा लगा मुझे तो बहुत सही लगा एंड अफोर्डेबल भी है, सुंदर भी है, टॉप्स भी बहुत अच्छे लगे मुझे एंड जीन्स भी मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी क्वालिटी है कि जीन्स तो मुझे सही में सही लगी एंड पिंक वाला टॉप भी बहुत सुंदर है। आपको सबसे अच्छा टॉप कौन सा लगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना एंड वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और यूजफुल रहे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो रेड कलर का बटन है उसको प्रेस करके। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।